हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहनाज सबरेस। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इश्क में मजाओं सीजन 3 एंड रियांश रिलेटेड कुछ अपडेट्स देने वाली हूँ। सो या इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो गाइस हमारे रियांश का इश्क में मजाओं सीजन 3 में हम लोगों को दिखाए जाएंगे और क्या रियांश हमारे इश्क में मजाओं सीजन 3 का हिस्सा बन रहा है, मतलब कि हमारे राहुल सुधीर एंड हेलिशा क्या इश्क में मजाओं सीजन 3 का हिस्सा बन रहे हैं या नहीं। सो गाइस हमारे राहुल सुधीर ने तो साफ साफ डायरेक्टली कह दिया है कि अगर ममता मैम इश्क में मजाओं सीजन 3 में एक फ्रेश वाली स्टोरी, फ्रेश वाली कास्ट अगर नहीं लेकर आई तो वो इश्क में मजाओं सीजन 3 में नहीं आना पसंद करेंगे एंड नहीं आना चाहेंगे। एंड स्टोरी अगर दोबारा दोहराई जाएगी, फ्रेश कास्ट अगर रही तभी अगर स्टोरी दोबारा दोहराई जाएगी तो वो नहीं ही आने वाले है। तो उन्होंने ये डायरेक्टली कह दिया। एंड हेलिशा भी उनके इस बात से जो है वो सहमत है क्योंकि एक ही स्टोरी को और कितना दोहराएंगी। एंड आप लोग अभी कास्ट का देखिए, कास्ट अभी खालिदा जान को न्यू प्रोजेक्ट मिल चुकी है। आप लोग अभी देखिए, मतलब इश्क में मजाओं सीजन 2 के लास्ट में कौन को किसकी डेथ हुई थी, वियोम एंड दादी की, रानी राय सिंघानिया की डेथ हुई थी, मतलब कि वंश की दादी हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। सो वंश की दादी की डेथ हो गई थी। सो और सारे कास्ट है, खालिदा जान को नहीं दिखाया गया था, मतलब अनुप्रिया का रोल लास्ट में नहीं दिखाया गया था। तो छोड़ो उस बात को। सो हमारी खालिदा जान को तो न्यू प्रोजेक्ट मिल चुकी है ना, तो खालिदा जान अपने न्यू प्रोजेक्ट पर ज़्यादातर मतलब देखेगी ना कि हमारे मजाओं सीजन 3 में वो आएगी अपने न्यू प्रोजेक्ट को छोड़ के। मतलब उनका न्यू प्रोजेक्ट है कलर्स टीवी का एक शो, उसके बाद चाची का जो रोल प्ले की थी मजाओं सीजन 2 में लास्ट के टाइम में, सो वो भी अपना न्यू प्रोजेक्ट ले ली होगी, कोई ना कोई न्यू प्रोजेक्ट उसको भी मिल चुकी होगी। ईशानी का जो रोल प्ले, असली चांदनी सिया का जो रोल प्ले करती थी, निकिता तिवारी, उसके बाद जो ज़ैनबाद खान है उनको भी एक न्यू प्रोजेक्ट मिल चुकी है। ज़ैनबाद खान आंगरे का रोल प्ले करते थे। सो अब कास्ट कहाँ से सेम लाएंगे। एंड हमारे राहुल सुधीर यही चाहते हैं। एंड अगर ममता मैम ऐसा करेगी तो अगर वो न्यू कास्ट ये वो सारी चीज़ें लाएगी तो हमारे राहुल सुधीर भी उसमें रहेंगे एंड फैंस भी खुश हो जाएंगे। एंड अगर वो सेम कास्ट लाती है एंड सेम जो स्टोरी है वो भी लाती है एंड यांश जोड़ी को नहीं लाती है, मतलब कि हेलिशा आ जाती है बट राहुल सुधीर अपने जो उन्होंने जो भी कहा है उसी से ही वो राज़ी होते, सहमत नहीं होते हैं सेम कास्ट सेम स्टोरी के लिए। सो वो उसके बाद जो है फैंस वह नाराज़ हो जाएंगे, फैंस खुश नहीं होंगे क्योंकि रिद्धिमा रहेगी, मतलब हेलिशा इश्क में मजाओं सीजन 2 में रिद्धिमा का रोल प्ले करिए एंड राहुल सुधीर नहीं रहेंगे तो मज़ा कहाँ से आएगा। एंड मुझे इतना लगता है ममता मैम दो ही जोड़ी को लेगी, एक तो है अरदीप जोड़ी जो अर्जुन बिजलानी एंड हलीशा पनवर की जोड़ी जो इश्क में मजाओं सीजन 1 में हम लोगों को देखने को मिली थी, एंड इश्क में मजाओं सीजन 2 में और एक जोड़ी जो हमें देखने को मिली थी यांश की जोड़ी। एंड अभी भी कोई कोई प्रोजेक्ट पर तो हम लोग को देखने को मिल ही रही है, एडवर्टाइज पर देखने को मिली, कितने सारे प्रोजेक्ट्स पर देखने को मिली। एंड वो सब बातें को अभी छोड़ दे। एंड गाइस आप लोगों को अभी कुछ नहीं करना है, ट्रेंड्स करने हैं, ट्रेंड्स तो अभी हो ही रहे। एंड अभी सितंबर मंथ जो है अभी बस पास में ही है, सितंबर मंथ अभी जो है बस एक दो दिन में ही अभी आ जाने वाला है, फिर हम लोग को हमारे राहिल का म्यूजिकल एल्बम का BTS शूटिंग का BTS हम लोग को देखने मिलेगा। हम लोग कितना मज़ा होंगे, हम लोग कितना मज़ा आएगा, कितना खुश होंगे हम लोग। आप लोग जल्दी से वेट कीजिए एंड आप लोगों को बता दें हमारे इश्क में मजाओं सीजन 3 जल्दी आएगा। एंड ममता मैम हमारे बातों को इग्नोर नहीं करें, हमारे बातों को सारे के सारे सुन रही है, देख रही है, सब कुछ कर रही है हमारी ममता मैम। एंड अभी ममता मैम कुछ ना कुछ सोच रही है इश्क में मजाओं सीजन 3 बारे में, तो उनको छोड़ते हैं। अभी हम लोग खुश होते हैं राहिल के म्यूजिकल एल्बम सॉन्ग के लिए। गाइस राहिल के म्यूजिकल एल्बम सॉन्ग से रिलेटेड कुछ बिग वाली गुड न्यूज़ मिली है, सो मैं आप लोगों के साथ वो गुड न्यूज़ अगली वीडियो पे शेयर करूंगी। सो या अगली वीडियो का सारे के सारे फैंस में इंतजार कीजिए, अगले वीडियो पे सारे के सारे फैंस गुड न्यूज़ के साथ मिलते हैं।